बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं बैठा हूँ सिंधी मुस्लिम और बदर वाली ब्रांच के ऑनर वकार महमूद बंदू खान उर्फ पप्पू, जिसको आप पप्पू के नाम से जानते हैं पूरी दुनिया। अब मैं आप लोगों से बहुत अप्रिशिएट हूँ कि आप लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया और बंदू खान फैमिली को बहुत पसंद किया बारबेक्यू के हवाले से, जो माशाल्लाह से बंदू खान फैमिली ने इसको ईजाद की है। हर जगह जहाँ भी बारबेक्यू खुलेगा बंदू खान को हर कोई याद करेगा रेसिपी के साथ, जो रेसिपी हम लोगों ने अपनी खुद बनाई हुई है। अब हम बहुत खुशनसीब बंदे हैं जिसको अल्लाह मियां ने इतनी इज्जत दी है इस नाम के और इस काम के साथ और इस जायके के साथ, जो हम हमारे बाप दादाओं ने जो रेसिपी लोगों के मुँह लगाई है। मैं आप लोगों की खिदमत के लिए DHA बदर कमर्शियल 26 स्ट्रीट पे होता हूँ और सिंधी मुस्लिम पे होता हूँ। हमारे मेनू में देखें जो हमने ईजाद की है माशाल्लाह से, मेनू में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है वो है टिक्का है, कबाब है, पराठा है, हलवा है, हमारी मेन चटनी है जिसको लोग बड़े खुशी से और बहुत मज़े से लेके खाते हैं। हमारे कबाब का जो है जायका लोगों के मुँह को लगा हुआ है माशाल्लाह से, टिक्के का जायका मुँह को लगा हुआ है, इसके अलावा हलवा पराठा चटनी का जायका लगा हुआ है जो लोग बड़े खुशी से होके खाते हैं। और सिर्फ हमारे मखसूस 4-5 आइटम बारबेक्यू के हैं जो हमारी असली रेसिपी है, वही जायका हमको एले में मिला है। एक दौर था मेरे दादा ये कहा करते थे हर गली गली में कबाब और पराठा मिलेगा, लेकिन क्या एक बनाने वाले इसको पैदा करने वाले हमारे दादा अलहाज बंदू खान हैं, उनकी फैमिली है, अल्लाह मियां ने इतनी इज्जत दी है, इतनी शोहरत दी है, अल्लाह का शुक्र है कबाबों का बादशाह अल्लाह मियां ने बंदू खान को ही रखा है और आगे भी इंशाल्लाह बंदू खान को ही रखेगा।